हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फोटो फैक्ट्री 99। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्रिएटिव फोटोग्राफी आइडियाज़ विथ हैंड। हैंड के साथ फोटोग्राफी का ये वीडियो है, तो जो भी फोटो आपको अच्छा लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके एक कॉमेंट से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, तो वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट इट। फर्स्ट फोटोग्राफी आइडिया को करने के लिए आपको कुछ एक किस प्रकार का एक सर्कल आइटम्स चाहिए। सर्कल आइटम को अपने हैंड में कुछ इस तरह से रख के आपको बढ़िया करके पोज देते हुए एक फ़ोटो को क्लिक करना है। आफ्टर फोटो को पिक्सआर्ट में ओपन करना है। पिक्सआर्ट में फ़ोटो को ओपन करने के बाद आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं इसका फुल एक्सप्लेन ट्यूटोरियल मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर आपको एड फोटोज़ में जाना है या आप पिक्सआर्ट के स्टिकर में भी जा सकते हो। फिर आपको वहाँ कंपास पीएनजी ऐड करना है अपने हिसाब से और अपने तरीके से उसे एडजस्ट कर लेना है, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद आपको फोटो को गैलरी में सेव करना है और एडोब लाइटरूम में रिटच करना है। तो कलर ग्रेडिंग के बाद फोटो को बहुत ही टॉप लग रहा है और अमेजिंग लग रहा है। सेकंड फोटोग्राफी आइडिया को करने के लिए आपको एक ऐसा कागज़ चाहिए। कुछ इस प्रकार के कागज़ को आपको इस तरह से पकड़ के अपने हाथ का इस तरह से पोज देते हुए बढ़िया करके फ़ोटो को क्लिक करना है। तो फोटो को क्लिक करने के बाद आपको पिक्सआर्ट में ओपन करना है और उसे उस कागज़ पर आपको क्विक वायट लिख देना है। वायट लिखने के बाद आपको लाइटरूम में रिटच करने के बाद फोटो कुछ इस तरह का मिलेगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। थर्ड फोटोग्राफी आइडिया को करने के लिए आपको एक ऐसा ग्लास बॉटल चाहिए। ग्लास बॉटल को आपको हाथ में कुछ इस तरह से पकड़ के बढ़िया करके पोज देते हुए फ़ोटो को क्लिक करना है। तो फोटो को क्लिक करने के बाद आपको उसे पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। तो फोटो को कर लेते हैं क्लिक। पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव करते कैसे करते हैं उसका फुल एक्सप्लेन ट्यूटोरियल मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको एड फोटोज़ में जाना है और वहाँ पे दो बटरफ्लाई पीएनजी आपको इसमें ऐड करना है। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ वैसे आपको उसको ऐड करना है। जो छोटा वाला बेबी बटरफ्लाई पीएनजी है आपको उसको कुछ इस तरह से बॉटल पे रखना है और ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देना है, जैसे कि लगे बेबी बटरफ्लाई जो प्रिजनर है कुछ इस तरह का फील आए। और दूसरे पीएनजी जो बटरफ्लाई बड़ी है उसको आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको वहाँ से फ़ोटो को अपनी गैलरी में सेव करना है और लाइटरूम में एडिट करना है। लाइटरूम एडिट के बाद फ़ोटो कुछ इस तरह का दिखेगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग टॉप और ऑसम लग रहा है। आपको इन तीनों में से कौन सा फ़ोटो अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें फोटो फैक्ट्री 99। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,